हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी बाय रेनू। आज मैं आपके साथ मिलकर बनाने लगी हूँ बहुत ही सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ मसाला मटर मशरूम। और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, जिनको हम छील लेंगे। 2 मीडियम साइज प्याज, चाहे उनको लंबा काट लें जैसे मर्जी काट लें। 2 अदरक के टुकड़े को भी हम काट लेंगे। 3 से 4 टमाटर को काट लेंगे और 2 हरी मिर्च को हम स्लिट कर लेंगे। अदरक लहसुन और प्याज को चॉपर में ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको कद्दूकस भी कर सकते हैं, और अगर आपको मिक्सी वाला मसाला पसंद है तो आप मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम टमाटर और हरी मिर्च को भी चॉपर में चॉप कर लेंगे या मिक्सी में पीस लीजिए। मशरूम्स को भी धोकर अच्छे से काट लेंगे हम इनको स्लाइसेस में। अब कुकर को गैस पर रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालकर हमने गरम करना है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा और 1/4 टीस्पून हींग डालकर पका लेंगे। जब जीरा और हींग चटक जाए तो इसमें प्याज, अदरक और लहसुन की पेस्ट डालकर हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। अब आधा कटोरी पानी लेकर इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करके इसे कुकर वाले मसाले में डाल देंगे। ऐसा करने से मसाला जलता नहीं है, और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि पानी सूख ना जाए। जब पानी सूख जाए तो इसमें टमाटर और हरी मिर्च की जो हमने पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे, और इसको घी छोड़ने तक हम भूनेंगे। अब मटर डालकर हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जो मशरूम के भी हमने स्लाइसेस किए थे उनको भी हम डालकर इसे 3 से 4 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 ग्लास पानी डालकर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और 2 से 3 विसल आने के बाद गैस को बंद कर देंगे। जब स्टीम निकल जाएगी और ठंडा होने पर हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म सर्व कीजिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्टी बाय रेनू। बाय बाय।